नमस्कार दोस्तों, मूंग किचन में आपका स्वागत है। ठंड के मौसम को देखते हुए विभिन्न विभिन्न तरह के अचार बनाने का अच्छा अवसर रहता है। अब ठंड को देखते हुए हम बनाएंगे मेथी और मूंग का अचार। मेथी और मूंग का अचार इसलिए बनाएंगे, मेथी कड़वा होता है तो उसको हम रात भर भिगा दिए पानी में और पानी को उसके हम पी लिए। सुबह उठ के छान के और पानी को हम उसको फेंकते नहीं है, उसको हम पी लिए। और मेथी को वैसे ही रख दिए दिन भर में, उसको और फूल गया वो दूसरे दिन। फिर हम थोड़ा सा, हम 2 चम्मच मेथी लिए थे तो 3 चम्मच हम लिए हैं उसमें मूंग, खड़ा मूंग। मूंग को भी हमने गला दिया है और उसको हमने रख लिया है। और मूंग और मेथी मिला के बनाएंगे अचार, जिससे उसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो। वैसे भी वो कम हो जाएगी कड़वाहट। उसमें हम नींबू का पानी डालेंगे और उसको ज्यादा दिन रखने के लिए हम डालेंगे उसमें विनेगर। अब देखिए हम उसको कैसे बनाते हैं, और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा होता है। और मेथी तो ठंड में खाना ही चाहिए। कमर दर्द, किसी भी तरह का दर्द हो या तकलीफ हो, नस वस की तकलीफ हो, तो उसमें मूंग बहुत फायदा करता है। तो मेथी के अचार को आप थोड़ा सा, आधा चम्मच भी डेली खाते हैं तो आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो आप बनाइए और खाइए। अब आप चलते हैं हम अचार बनाने की तरफ। लेकिन इसके पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में आप शेयर करिए। चलिए अब हम देखते हैं कि मेथी के अचार में हमें क्या क्या लगेगा और हम कैसे बनाते हैं। मेथी है 2 बड़े चम्मच, हमने बड़ी चम्मच से लिया था, भिगा के रात भर इसको पानी में भिगा दिया। फिर सुबह हम इसको छान के रख दिया और उसके पानी को फेंकते नहीं है, उपयोग कर लेते हैं, पी लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, उपयोग करते हैं। और ये 3 चम्मच हमने मूंग लिया है। मूंग को भी हमने गला दिया था रात भर और सुबह इसको छान के ये रख दिया है। इसमें 1/2 चम्मच हम डालेंगे हल्दी, और थोड़ा सा हम डालेंगे लौंग और काली मिर्च और जीरा बघार में डालेंगे, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, और ये अमचूर पाउडर डालेंगे, और चाट मसाला थोड़ी सी 1/2 चम्मच डालेंगे, 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें सौंफ, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे शक्कर, और 4 चम्मच है ये 2 नींबू का रस है ये, इसको हम डालेंगे, और 4 चम्मच हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल या विनेगर, 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, चूंकि 2 ही चम्मच है तो हम नमक इसमें 1 ही चम्मच डालेंगे। अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तेल हम डाले हैं 2 चम्मच करना है, और उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करना है। यह धुआं उठ रहा है, ये देखिए। फिर हम गैस को बंद कर देंगे अभी थोड़ी देर। एकदम गर्म तेल में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, नहीं तो जल जाएगा हमारा। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। जीरा, काली मिर्च और लौंग, इसको हमें खूब नहीं भूनना है, थोड़ा सा भर भूनना है। ये सौंफ, फिर हम थोड़ा सा हल्दी डालें, ठीक होता है तो हल्दी डालना ही चाहिए। लाल मिर्च डालेंगे टेस्ट के लिए, डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे, नमक अभी हम 1/2 चम्मच डालेंगे, फिर टेस्ट करके डालेंगे थोड़ा सा। 1 चम्मच हम डालेंगे शुगर, चालू करेंगे लेकिन धीमी। फिर ये नींबू के रस को इसमें पूरा डाल देंगे, इसको पकाएंगे। हमने डाल दिया, अब ये नींबू के रस में पकाएंगे इसको, क्योंकि मसाला है तो पक जाएगा, तो इसका खट्टा है, नींबू का रस भी खट्टा है और अमचूर भी खट्टा है, तो इसका कड़वाहट जो है एकदम खत्म हो जाएगी। और आंच को अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है, इसीलिए मूंग को हमें पकाना नहीं ज्यादा, और सारा इसमें वो हो जाएगा। 5 चम्मच विनेगर, जो थोड़ा सा रखे थे उसको और डाल दिए इसमें, ताकि ये अचार और अच्छा हो जाए। दोस्तों, मेथी मूंग का अचार मेरा बन के तैयार हो गया है। बहुत शानदार अचार है, ज्यादा नहीं, 1/2 चम्मच आप रोज खाने के साथ इसको खाइए तो आपका पेट साफ होगा, और पाचन के लिए बहुत अच्छी चीज है, और ठंड में शीत न लगे तो उसके लिए ये रामबाण साबित होता है। और ये बहुत अच्छा लगता है, और इसमें कड़वाहट बहुत कम, कड़वाहट तो रहती ही नहीं है। अब आप बनाइए, खाइए, और मूंग किचन में मूंग और मेथी के अचार को
आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने अनुभव को आप शेयर करिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।